नमस्कार, पत्रकार टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस सेवा और अन्य सरकारी विभागों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पुलिस बलों में भर्ती भाग चार को लेकर, यानी कि इससे पहले हम तीन पार्ट इसके दिखा चुके हैं और ये श्रेणी जो है लगातार पसंद की जा रही है और आप सबकी डिमांड के अनुसार लगातार जिस प्रकार के आपके सवाल सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार की आप इच्छा इस कार्यक्रम को लेकर जता रहे हैं, तो ऐसे में अब आज ये फोर्थ पार्ट इसका हम लेकर आए हैं और बात कर रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल के बारे में, यानी कि RPF के बारे में। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब के बारे में। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो कि युवाओं को आत्मखोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। और यही कारण है कि हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और मौका देते हैं इनसे मुलाकात का और अपने सवाल का जवाब जानने का। तो पिछले एपिसोड में हमने पुलिस बलों में भर्ती के भाग तीन यानी कि थर्ड पार्ट की बात की थी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF क्या होता है और NDRF के बारे में जानकारी हमने यहाँ पर ली थी। उसके बाद में अब आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक नए मुद्दे के साथ में, और पहला सवाल इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। सर, कई युवा GRP और रेलवे सुरक्षा बल के बीच में भ्रमित रहते हैं, अगर आप GRP और RPF के बीच अंतर स्पष्ट कर सकें तो अच्छा होगा। RPF स्टैंड करता है रेलवे पुलिस फोर्स और GRP स्टैंड करता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी कह सकते हैं। इन दोनों टर्म से ऐसा लगता है कि ये एक ही है या इनका रोल, बट क्या होता है कि इनका रोल बहुत दोनों का डिफरेंट है और एक दूसरे के रोल के ऊपर ये मदद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात समझने की वाली है। और ये जो RPF है ये रेलवे मिनिस्ट्री के नीचे आती है, जबकि स्टेट GRP है ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आती है। अब डिफरेंस, इनका जो मेन डिफरेंस है वो GRP है, वो क्राइम को मेंटेन और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, जो रेलवे स्टेशन और प्रॉपर्टी है उसको देखभाल करना इनका काम है। और अगर कोई घटना क्राइम रिलेटेड होती है तो उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, उसकी रजिस्ट्रेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना इनका रोल है। जबकि जो RPF है वो, जैसे मैंने पहले बताया, सप्लीमेंट करती है GRP का रोल, और इनका मेन रोल है कि बेटर क्वालिटी का सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और प्रोवाइड करती है। अब जो GRP है इसके ऊपर जो खर्चा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों शेयर करते हैं। अभी जो RPF है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसेंजर एरिया भी है, रेलवे की प्रॉपर्टी भी होती है और जितने भी इसके साथ में मैटर्स हैं, और पैसेंजर सिक्योरिटी इनका मेन रोल है। और जितना एक्सेस कंट्रोल है, आपने जयपुर के स्टेशन पे भी देखा होगा, एक्सेस कंट्रोल GRPF के पास नहीं है, एक्सेस कंट्रोल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास होता है, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म्स भी उनके संदर्भ आते हैं। अब ये जो फोर्स है इसकी तादाद देखिए आप, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स करीब 76,000 RPF है, बहुत बड़ा सेंक्शन स्ट्रेंथ है और ये बहुत अच्छा कैरियर के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करती है। इसमें DG जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो IPS के होते हैं और जो इनका सेटअप है वो रेलवे के अनुसार, जैसे रेलवे की बनावट है, जो रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो सर, ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और रेलवे सुरक्षा विशेष बल, इन दोनों में क्या अंतर है फिर?
ये बहुत ही सुंदर सवाल है। कॉमन पर्सन के लिए इसको समझने में थोड़ी कठिनाई भी आती है, क्योंकि एक सिर्फ एस एक्स्ट्रा लग गया है तो स्पेशल फोर्स हो गई है। तो स्पेशल फोर्स जो है बेसिकली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बट इनका जो स्पेशल पुलिस फोर्स है इसके बटालियन स्ट्रक्चरिंग इसका बटालियन के तौर पे किया गया है, जैसे दूसरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें 15 बटालियंस हैं, इंक्लूडिंग एक कमांडो बटालियन भी है और एक महिला बटालियन भी है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो लोकेशन है आरपीएसएफ की जो बटालियंस हैं ये सेंसिटिव लोकेशंस पूरी इंडिया में और जो नक्सलाइट एरियाज हैं, ताकि ये रिएक्शन फोर्स के तौर पे काम कर सके, ये रेलवे आरपीएसएफ है। ये इनमें अंतर होगा, बहुत ही बारीक सी बात होती है, कई बार आप इस बेसिक को नहीं समझ पाते, तो ये अंतर आपके लिए समझना ज़रूरी होगा। और यही कारण है कि हम इस पूरे कार्यक्रम में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, उन बेसिक टर्म्स का ध्यान रखते हैं जो आपको बाहर से पता नहीं चल पाती और कन्फ्यूज़न इसको लेकर होता है। तो यही कारण है कि कर्नल साहब आप तक ये बेसिक जानकारियाँ भी पहुँचाते हैं, ताकि आपके माइंडसेट जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में हो। मंडल और क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ विशेषीकृत इकाइयां कौन सी हैं सर, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो मंडल हैं लेवल के, डिविजनल लेवल के ऊपर, एक तो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच होता है एसआईबी जिसको बोलते हैं, और एक क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच होता है सीआईबी। इनका काम है कि स्पेशल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना क्रिमिनल केसेस के बारे में, और इसके अलावा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, डॉग स्क्वाड्स होता है और बैंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सर, ऐसे में क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल की कौन सी शाखाएं होती हैं, आरपीएफ की शाखाओं की अगर बात करें? देखिए, जोनल रेलवे लेवल के ऊपर जो तीन ब्रांचेज होते हैं इनके आरपीएफ के, एक ब्रांच तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें आता है आपका स्टैटिक विंग आता है, मोबाइल विंग आता है, क्राइम विंग आता है और स्पेशल विंग आता है, और अल्टीमेटली स्टोर विंग आता है। तो पांच इस तरह के विंग होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर। दूसरे दो जो है, एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच है और एक है फायर सर्विसेज ब्रांच। तो ये तीन ब्रांचेज मेनली जो हर जोनल रेलवे के लेवल पे होते हैं, ये तीन ब्रांचेस में आ जाती हैं। सर, एक और बेहद महत्वपूर्ण मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि तैयारी कर रहे हैं। सर, कोई भी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में अधिकारी कैसे बन सकता है, उनकी रैंक संरचना क्या होती है, ये आप बताएं। बहुत उम्दा सवाल है कि आरपीएफ में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। पहली बात, ऑफिसर ग्रेड ए कैटेगरी के लिए हम ऑफिसर कह रहे हैं, और इनका जो सर्विस का नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इनका जो रिक्रूटमेंट है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू यूपीएससी कंडक्ट करता है, और 50% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 50% बाय प्रमोशन होता है। और इनिशियली इनको लिया जाता है असिस्टेंट कमांडेंट कह दीजिए आप, या इनको जो रेलवे में बोलते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, उस लेवल पर इनकी एंट्री होती है। और जो इनका रैंक स्ट्रक्चर है वो बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की तरह ही है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ में इनकी एकेडमी है, जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। तो सर, रेलवे सुरक्षा बल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सर इसमें एक और महत्वपूर्ण पद जिसको लेकर भर्ती भी निकलती है, जिसको लेकर जानकारियाँ लोग चाहते हैं, सहायक कमांडेंट से नीचे की जो भर्ती होती है, सर इसकी नीति क्या है? देखिए, जो भर्तियाँ सहायक असिस्टेंट कमांडेंट के नीचे की जो भर्तियाँ हैं, इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी सिक्योरिटी डायरेक्टरेट रेलवेज का है, वो कंडक्ट करता है इनके एग्जामिनेशन, और सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी के नीचे ये सारा कार्यक्रम क्या होता है जी। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेसिकली दो रैंक में होता है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर। दूसरी जो पोस्ट है वो प्रमोशन से फिल की जाती हैं या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है, नहीं तो डेपुटेशन के थ्रू। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूं, सर रेलवे सुरक्षा बल की वैकेंसी कैसे जारी की जाती है और भर्ती कैसे की जाती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सी रेलवेज के अंदर क्या होता है कि मैंने जैसे पहले बताया कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आरपीएफ का वो रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस है, तो इनको 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो वेरियस जो रेलवे जोन्स हैं उनको मिला के 6 ग्रुप बनाए गए हैं। तो ग्रुप ए के अंदर जैसे अपना जयपुर आता है, साउथ वेस्टर्न
रेलवे में, तो ये ग्रुप ए के अंदर आता है। इसके साथ दो और जोनल रेलवेज हैं। और ग्रुप एफ जो होता है वो आरपीएसएफ, जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, उसका अलग ग्रुप होता है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ग्रुप वाइज किया जाता है, और कैंडिडेट जो है उसको चॉइस जो देनी है वो ग्रुप वाइज देनी पड़ती है। विद इन द ग्रुप उसको चॉइस फिर जोनल रेलवे की चॉइस देनी पड़ती है कि मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में के एरिया में काम करना चाहता हूँ। जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है। साइमल्टेनियसली पूरे देश में एक साथ ही किया जाता है ये एग्ज़ामिनेशन। 15 लैंग्वेजेस में होता है ये एग्ज़ामिनेशन। और कैंडिडेट जो अप्लाई करता है वो किसी भी ग्रुप में कर सकता है, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो। आप चाहते हो कि मुझे दूसरे ग्रुप में करना है जो कि साउथ इंडिया में है या ईस्ट में है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। और आपकी जो प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रखा जाएगा। और जो इसमें ख़ास तौर से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आरपीएसएफ है, अगर आपने वो चॉइस की है तो वो आपको परमानेंट है, आप वो वहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं जी। और आपको अदरवाइज़ आप अपने जोन के अंदर ही सर्विस करेंगे नॉर्मली। बट याद रखें कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस है उसमें अल्टीमेटली सरकार के हाथ में है कि आपको कहाँ भेजना चाहे, वो लाइबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। 15 भाषाओं में होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है तमाम विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों के लिए, कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप परीक्षा जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। सर, रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर कार्यकारी की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए पात्रता शर्तें क्या होती हैं, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, एसआई एग्जीक्यूटिव जिसको कह सकते हैं अपन शॉर्ट में, इनकी जो ग्रेजुएट होना चाहिए और उम्र 20 से 25 साल के बीच में, फिजिकल मेजरमेंट 165 सेंटीमीटर हाइट फॉर मर्द के लिए और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, कुछ SC ST कम्युनिटी और कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जो स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं उसमें हाइट का कंसेशन दिया जाता है। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सबसे पहले CBT कंप्यूटराइज्ड बेसिक टेस्ट, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये होता है। फिजिकल टेस्ट किया जाता है, फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ मेल के लिए है और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्वालिफाइंग नेचर में ये एग्जामिनेशन भी होता है। फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे हॉस्पिटल्स में किया जाता है, याद रखिएगा। और आपकी B1 कैटेगरी होनी चाहिए जो कि रेलवे के अंदर कैटेगराइजेशन कर रखा है आपका हेल्थ के रिक्वायरमेंट्स के। जी जी, एक और सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, रेलवे सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल के लिए पात्रता शर्तें और भर्ती प्रक्रिया क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है उनकी एज रिक्वायरमेंट है 18 से 25 साल और क्वालिफिकेशन मैट्रिक। बाकी जो भर्ती की प्रक्रिया है सेम है जो अभी हमने SI एग्जीक्यूटिव के लिए बताया। यानी SI एग्जीक्यूटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो मापदंड वहां पे आपने समझा जाना वही कांस्टेबल भर्ती पर भी लागू होता है, इसीलिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें और तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए पात्रता और शर्तें भर्ती को लेकर क्या कुछ हैं, ये भी आप बताएं। रेलवे सुरक्षा बल में जो प्रोसिक्यूशन काडर है, अभियोजन काडर, हाँ जी, उसके बारे में ये सवाल आपने पूछा है। तो प्रोसिक्यूशन काडर का मतलब है कि लीगल काडर जी। तो ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की आपकी, और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए 5 साल के, तब तो आप बन सकते हैं इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूशन। अगर आपकी प्रैक्टिसिंग सर्विस 2 साल की है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज 30 से 32 साल की हो सकती है। फिजिकल मेजरमेंट सेम है जो हमने SI के लिए बताया, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव के लिए। रिटन एग्ज़ाम में 2 पार्ट में रिटन एग्ज़ाम किया जाता है, पहले में GK मेंटल एबिलिटी और Part 2 के अंदर लॉ के ऊपर आपका एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और इनकी जो कैटेगरी है मेडिकल की वो C1 कैटेगरी है। पहले जो हमने बताया था SI के केस में V1 कैटेगरी थी,
या असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, इधर अभी है C1 कैटेगरी। ये पैरामीटर्स हैं जो मेडिकल के वेरी करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सर ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF में बैंड कैडर भी होता है, उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए पात्रता शर्तें और भर्ती प्रक्रिया क्या है, ये क्या डिफरेंस है इससे कुछ? या थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि जो बैंड के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन्होंने पोटेंशियल बैंड मास्टर्स कोर्स किया होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, या उसका इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हो। एज इनकी 20 से 25 साल, और इनके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, और इनका जो ट्रेड टेस्ट किया जाता है वो फिजिकल मेजरमेंट के बाद में इनका ट्रेड टेस्ट किया जाता है। यानी महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा और फिजिकल मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। मेडिकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी मायने यहाँ पर रखती है, आप फिट रहें और उसके बाद में जो सर ने बोला वो तमाम चीज़ें जो हैं उनका आप ध्यान रखें, डिप्लोमा या कोर्स जो इसमें शामिल होता है अगर वो आपके पास है तो फिर आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। सर रेलवे सुरक्षा बल की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं तो उसमें सर अन्य कॉन्स्टेबल प्रविष्टियाँ भी होती हैं, तो वो क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर से हम एग्जीक्यूटिव कार्डर्स, GD कार्डर्स इन्हीं की बातें करते रहते हैं, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या किसी फोर्स के अंदर दूसरे जो बैकग्राउंड में रहते हैं या सपोर्ट टीम्स होती हैं उनके बारे में भर्ती भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें पहला तो होता है कांस्टेबल एंसिलरी स्टाफ कहते हैं उनको, इसमें आ जाते हैं कुक, वाटर कैरियर, सफाई वाला, वॉशरमैन, बारबर, गार्डनर, एक तो ये कैटेगरी है जी। फिर होती है आर्टिजन स्टाफ। आर्टिजन का मतलब हो गया कि जैसे टेलर Grade 3 है, कोबलर मोची है Grade 3, ये सेकंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी है बैंड की, कांस्टेबल बैंड, और चौथी कैटेगरी है ड्राइवर Grade 3। अब जो इनकी क्वालिफिकेशंस हैं इन सब कैटेगरी जिनकी अपन ने बात की, एंसिलरी स्टाफ, आर्टिजन स्टाफ, बैंड और ड्राइवर, इनके लिए उम्र सबकी 18 से 25 साल, और इनके क्वालिफिकेशन अभी भी मैट्रिक की है, और ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है और वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है सिंप्लीफाइड किया हुआ है, इनके केस में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, और इनके केस में जो फिज़िकल टेस्ट है वो भी सिंप्लीफाई किए हुए हैं, 800 मीटर का दौड़ है इनके लिए और बाकी जो लॉन्ग जंप, हाई जंप वो सेम है। ट्रेड टेस्ट इनके लिए महत्व रखता है क्योंकि इनका काम हाथ से काम करने का, जो एंसिलरी स्टाफ है, आर्टिजन स्टाफ है, अपनी कला इनको दिखानी पड़ती है। तो सर RPF में मंत्री स्तरीय कैडर भी होता है क्या? अगर हाँ तो फिर कितनी प्रतिशत सीधी भर्ती इसमें होती है, इसके बारे में भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। हम कई बार ये सोचते हैं कि क्या पुलिस में सिविल ड्रेस में भी कोई व्यक्ति होते हैं क्या कुछ, तो ये जो कैडर्स हैं मंत्री स्तर कैडर, ये जनरली यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, इनकी यूनिफॉर्म लागू नहीं होती है, तो इनको मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोला जाता है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो 100% इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे पियॉन एग्जांपल दे रहा हूँ जी जी। फिर आते हैं ऑफिस क्लर्क्स, तो इनका 50% की जो इनकी वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है, और सीनियर क्लर्क लेवल 20% वैकेंसीज भरी जाती हैं। तो जनरली इतना बताना इस स्तर पे बहुत होगा कि मिनिस्ट्रियल काडर भी होता है और भर्ती की कितनी परसेंटेज होती है जी। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगा, सर RPF में आर्मर्स और डॉग स्क्वाड कैडर भी होते हैं क्या? अगर हैं तो सर इसमें कोई अन्य कैडर इसमें शामिल होते हैं क्या, क्या उसकी कोई और संभावना, या फिर इसमें शामिल होने के लिए क्या प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। जो आर्मरर्स हैं, आर्मरर्स से मतलब होता है जो हथियार की जो रिपेयर करता है, देखभाल करने का काम तो जिसको हथियार इशू है वो ही करने का है, बट हथियार की जो रिपेयर है बेसिक रिपेयर यूनिट लेवल के ऊपर वो आर्मरर करता है। और डॉग स्क्वाड का कैडर है वो अपन सभी जानते ही हैं। तो अब इनकी जो भर्ती, कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, बट आपको शौक हो सकता है कि मुझे हथियार का रिपेयर आर्मरर बनना है या मुझे डॉग स्क्वाड में जाना है, तो आपको कार्डर में ही जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल कार्डर में ही जाना पड़ेगा, और वहाँ ही से आपको, आपने काम सीख लिया तो आपको वो काम दिया जाएगा। ये कोई
इसमें अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक तरीके से कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, पर आपको योग्यता है आपको ये काम दिया जाए। तो चॉइस वहाँ पे इनको मिलती है या फिर वो प्रेफरेंस वहाँ पे देखी जाती है? वहाँ पर आप अपनी, जैसे आर्म फोर्सेस में भी है, पुलिस में भी है, कई ऐसे नियुक्तियाँ होती हैं अंदर, डिपार्टमेंट आपको देता है, काम देता है, जिसके लिए मतलब स्ट्रक्चर में कोई रैंक या कोई अपॉइंटमेंट दिया नहीं होता है, बट कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाने के लिए जी। तो ये उस तरह के अपॉइंटमेंट हैं, तो आप में योग्यता दिखेगी, आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, वापस आप अपने काडर में चले जाएंगे, कुछ समय काम करेंगे, फिर आप अपने मेन काडर में चले जाएंगे। हो सकता है लंबे समय भी आप रहें, एज लॉन्ग एज आप डिलीवर करते हैं, आप अपना योग्यता के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इंटरनली आप इसमें काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट का ही डिसीजन होता है, वो आपको सेलेक्ट करते हैं, आपकी काबिलियत को देखते हैं, उसके आधार पर आपको इसमें भर्ती में शामिल कर सकते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण आज जानकारी इस कार्यक्रम में हुई है शामिल, और आधे घंटे का महज ये कार्यक्रम है, लेकिन इसमें सब कुछ समेटने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं, ताकि उस विषय से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो है वो छूट ना जाए। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल आर एस भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए मेल आईडी पर, जो कि हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है, और अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको उसका जवाब मिलेगा, और तमाम सवाल इसमें जो शामिल किए जा सकते हैं कोशिश करेंगे आप तक उनका जवाब पहुंचाने की। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल वहां पर टाइप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका जवाब आप तक पहुंचाने की हम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे कार्यक्रम में चर्चा को आपने सार्थक बनाया, धन्यवाद। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ में, और फिर बात होगी भर्ती को लेकर, और आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे पुलिस भर्ती से जुड़े हुए पार्ट 5 को एक और बार, और चर्चा करेंगे आपके करियर को लेकर। फिलहाल नमस्कार।